गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इसराइल के युद्ध से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। हाल के वर्षों में मिडिल ईस्ट के देश ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रही अर्थव्यवस्था का भी सामना करना पड़ रहा है। इस बीच इसराइल ने ईरान में भी हमले किए हैं और मुख्य रूप से उसके परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया है। अब बुधवार तड़के ईरान में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया। विस्फोटों से ईरान के पश्चिमी चहर महल और बख्तियारी प्रांत से उत्तर में कैस्पियन सागर के शहरों तक चलने वाली नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रभावित हुई है। एक अधिकारी ने इन विस्फोटों के लिए देश में तोड़फोड़ और आतंकी कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि इसराइल हमास के बीच युद्ध से मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। आपको बता दें कि जिस गैस पाइपलाइन को प्रभावित किया गया है वो लगभग 1270 किलोमीटर लंबी है और ये ईरान के दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र के केंद्र असालुये से शुरू होती है। ईरान के गैस नेटवर्क कंट्रोल सेंटर के मद्देनजर सईद अगली ने ईरानी राज्य टेलीविजन को बताया कि तोड़फोड़ और आतंकी कार्रवाई के कारण गैस पाइपलाइन के कई क्षेत्रों में विस्फोट हुए। अगली ने विस्फोटों के लिए किसी संदिग्ध का नाम नहीं लिया। हालांकि अतीत में दक्षिण पश्चिमी ईरान में अरब अलगाववादियों ने तेल पाइपलाइनों के खिलाफ हमलों का दावा किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के वॉचडॉग के प्रमुख ने मंगलवार को चेतावनी दी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। आपको बता दें कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस क्षेत्र में मिलिशिया के हथियारों के रूप में तनाव सामने आया है। अमेरिका और इसराइल का कहना है कि हिजबुल्ला और हूती विद्रोही ईरान के समर्थन से इसराइल पर हमले कर रहे हैं। हूती रेड सी में कमर्शियल शिप्स पर हमले जारी रखे हुए हैं। और उधर अमेरिका और ब्रिटेन हूतियों पर हवाई हमले कर रहे हैं।